Welcome to the lecture number 11 part B of digital system design e 319 course in today's lecture we will see the difference between blocking and non blocking statements used inside an always block we will also learn that uh, where we should use any of these statements uh, we will also observe the effect of their usage from uh, hardware connectivity point of view तो जो नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट्स हैं वो हम डिक्लेयर करते हैं यूजिंग लेस देन इक्वल टू साइन और जो ब्लॉकिंग स्टेटमेंट्स हैं उनको सैन करते हैं यूजिंग इक्वल साइन तो ब्लॉकिंग या नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट्स जब एक ऑलवे ब्लॉक के अंदर यूज़ की जाती हैं तो उसका जो है वो किस तरीके से इफेक्ट होता है और उसका सर्किट पे या उसकी कनेक्टिविटी पे या फिर उसकी उसके अंदर डिपेंडेंसीज होने से जो है वो क्या इफेक्ट होते हैं वो आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर हमने जो है वो नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट्स यूज़ की एक मॉड्यूल मॉड्यूल है नॉन ब्लॉकिंग और आउटपुट रेज डिक्लेयर की हुई है आउट और उसके अलावा डिफरेंट इनपुट्स हैं क्लॉक इन वन इन टू इन थ्री और ये एक रजिस्टर सिर्फ डिक्लेयर किया हुआ है लॉजिक वन के नाम से तो इसमें हो रहा क्या है कि ऑलवेज एट पॉज एज ऑफ क्लॉक क्या होगा इन वन एंड इन टू एंड हो रहे हैं और उसके बाद ये साइन हो रहे हैं लॉजिक फन को और उसके फौर बाद लॉजिक फन और लॉजिक फन और इन थ्री बिट uh, वाइज और हो रहे हैं और उसका रिजल्ट आउट की तरफ जा रहे हैं तो अगर हम uh, इस ब्लॉक को सर्किट को देखने से पहले अगर इस ब्लॉक को हम गौर से देखें तो क्योंकि इसके अंदर नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट्स यूज हुई हैं तो नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि कनकरंट जिस तरीके से बताया अभी कनकरंट जो है वो असाइनमेंट हो रही होती है यानी uh, ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट या ये ये दोनों असाइनमेंट्स जो हैं लॉजिक फन के ऊपर असाइनमेंट और आउट के ऊपर असाइनमेंट ये दोनों एक टाइम स्टेप स्टैम्प पे हो रही होंगी मीन कि जैसे ही पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक आएगा इन वन एंड इन टू एंड ओके लॉजिक वन पे भी साइन हो रहे होंगे एट द सेम टाइम लॉजिक वन और ओके इन थ्री के साथ आउट के ऊपर भी साइन हो रहा है लेकिन यहाँ देखने वाली बात है कि ऐसा नहीं होगा कि पहले यहाँ से लॉजिक फन रिज़ल्ट जो है वो अपडेट होके आया है और फिर वो अपडेटेड रिज़ल्ट जो यूज़ होगा क्योंकि ये दोनों ये दोनों असाइनमेंट्स जो हैं वो कंकरेंट हैं ये पैरेलल हैं ये एट द सेम टाइम हो रही हैं तो जिस टाइम ये वाली असाइनमेंट हो रही होगी उसी टाइम लॉजिक फन की प्रीवियस वैल्यू जो है वो इन थ्री के साथ और होकर आउटपुट भी जा रही होगी इसका मतलब है जो लॉजिक फन आपका एक रजिस्टर है वो रजिस्टर जो इस बात के अंदर क्रिएट हो जाएगा और वो इन थ्री के साथ और होके और फाइनली आउटपुट की तरफ जो है वो आउट को साइन हो रहा है और क्योंकि ये पहले से डेवलप हुआ हुआ रिजल्ट है प्रीवियस रिजल्ट है तो लिहाजा इसको किसी मेमोरी के अंदर स्टोर करना है तो यहाँ पे एक रजिस्टर जो है वो आ, या डी फ्लिप फ्लॉप जो है यहाँ पे अगर सिंगल बिट का है तो वो क्रिएट हो जाएगा जो लॉजिक फन को अपने अंदर स्टोर रखेगा और ये लॉजिक फ़न का अपडेट होगा ये नेक्स्ट क्लॉक साइकिल के अंदर इन वन और इन टू आपस में एंड होके इसको अपडेट करेंगी और उससे एट जिस टाइम ये दोनों इन वन इन टू एंड ओके इसको अपडेट कर रही होंगी उस टाइम इसकी प्रीवियस वैल्यू जो है वो इन थ्री के साथ और ओके आउट को साइन हो रही होगी तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि क्योंकि यहाँ पे ये यह दोनों जो है वो पैरेलल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर रही हैं तो लॉजिक फन जो है वो रजिस्टर उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू पहले से होनी मौजूद है जो इन थ्री के साथ और ओके आउट बनाएगी तो लिहाजा यहाँ पर रजिस्टर का जो है वो होना मस्ट है इसी एग्जांपल को अगर हम ब्लॉकिंग स्टेटमेंट्स की उसमें स्टेटमेंट्स के थ्रू इंप्लीमेंट करें तो उसमें सेम काम हो रहा है इन वन और इन टू एंड होकर लॉजिक वन को जा रही है और फिर लॉजिक वन और होके आउट की तरफ जा रहा है लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि जो स्टेटमेंट जो यूज़ हुई हुई है वो यहाँ पर जो है वो अगर इसको गौर से देखें तो ये स्टेटमेंट जो है वो ब्लॉकिंग यूज़ हुई हुई है इस ब्लॉकिंग स्टेटमेंट की वजह से क्या होगा क्योंकि ये ब्लॉकिंग स्टेटमेंट हर आने वाली स्टेटमेंट जो है वो ब्लॉक हो रही होती है पिछली स्टेटमेंट के थ्रू तो पहले ये वाली असाइनमेंट होगी और उसके बाद जो है वो ये वाली असाइनमेंट होगी इसमें जो सीक्वेंस है या उसका जो आपकी स्टेटमेंट्स इस तरीके से आपने लिखी हुई हैं वो मैटर करती हैं यानी इसमें जब भी पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक आएगा तो उस टाइम पहले इन वन और इन टू एंड होकर अपना रिजल्ट लॉजिक फ़न पे भेजेंगी और उसके बाद वो अपडेटेड लॉजिक फ़न जो है वो इन थ्री के साथ और होके आउट को डेवलप कर रहा होगा तो अगर हम इसको थोड़ा सा सर्किट देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो जब ये सिंथिसाइज होगा तो आ, कैसे क्रिएट होगा तो उसमें इन वन और इन टू ये एंड हो रही हैं और एंड होने के बाद ये रिज़ल्ट जो है ये अपडेटेड रिज़ल्ट एट द सेम पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक इन थ्री के साथ और हो रहा है और उसके बाद जो है वो ये फाइनल आउट जो रजिस्टर आउटपुट पे लगा हुआ इसको करा है इसको अपडेट कर रहे तो इस इसके अंदर हमें क्योंकि ये सारा काम एक ही एक ही एज ऑफ क्लॉक के ऊपर हो रहा है कि पहले इन वन और इन टू एंड होती हैं और वो एंड हुआ हुआ लॉजिक फन अपडेटेड इन थ्री के साथ और भी होता है और उसके बाद फाइनल आउटपुट को अपडेट करता है लिजा हमें यहाँ पे जो लास्ट सर्किट में आप देख रहे थे कि यहाँ पर बीच में एक रजिस्टर मौजूद था वो रजिस्टर अब नहीं है उसकी वजह क्या है कि ये जो रिज़ल्ट आगे जा रहा है आपका आउट ये डिपेंड कर रहा है इस लॉजिक फन के ऊपर और ये लॉजिक फन तब तक डेवलप नहीं होगा जब तक इन वन और इन टू के एंड के थ्रू रिजल्ट नहीं आएगा यानी नंबर वन पे ये वाला काम हो जाएगा और उसके बाद ये वाला काम हो जाएगा और ये अपडेटेड लॉजिक वन की वैल्यू यहाँ पे यूज़ होगी तो लहजा इसको क्योंकि ये इस सारा काम जो है वो सिंगल है ऑफ क्लॉक के अंदर हो रहा है तो इसको होल्ड करने की हमें जरूरत नहीं है ठीक है सिंपल एक वायर के थ्रू जो लॉजिक वन है वो सिंपल एक वायर के थ्रू यहाँ पे इंप्लीमेंट हुआ हुआ है तो इसका मतलब है कि आ, अगर ये जो ऑलवेज ब्लॉक के अंदर अगर हम ब्लॉकिंग स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो इन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट के अंदर जो इनका सीक्वेंस है वो मैटर करता है या डिपेंडेंसीज जो हैं वो मैटर करती हैं अगर हम इस स्टेटमेंट को पहले ले जाएं और इस स्टेटमेंट को बाद में लेंगे तो उससे जो सर्किट की कंडीशन है उसके ऊपर डेफिनेटली फ़र्क पड़ना चाहिए ठीक है तो फॉर एग्ज़ाम्पल आ, ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अगर हम देखें तो हमने सिर्फ वही जो ये जो लास्ट स्लाइड की ये दो दो स्टेटमेंट्स थी इनको आपस में जो है स्वैप कर दिया यानी लॉजिक फन और इन थ्री और ओके आउट पहले डेवलप कर रही हैं यहाँ पे और उसके बाद जो है वो इन वन और इन टू एंड ओके लॉजिक फन को बाद में डेवलप कर रही हैं और स्टेटमेंट अगेन हमने जो है ब्लॉकिंग स्टेटमेंट यूज़ किया लेकिन अगर आप इस इन इससे बनने वाले सर्किट और से देखो तो यहाँ पे जो है वो ये रजिस्टर अब क्रिएट हो जाएगा और रजिस्टर क्यों क्रिएट हो रहा है कि एग्जीक्यूशन डेफिनेटली यहाँ पे भी सिक्वेंशली होगी पहले ये ये वाली स्टेटमेंट हो चलेगी और उसके बाद फिर वो लॉजिक फन जो डेवलप हो रहा है इन वन इन टू के थ्रू लेकिन जब लॉजिक फन इन थ्री के साथ और हो रहा है और आउटपुट डेवलप कर रहा है तो लॉजिक फन जो है वो को कोई ना कोई प्रीवियस वैल्यू चाहिए जो इन थ्री के साथ और ओके आउट बनाएगी ठीक है अगर यहाँ पर लॉजिक फन पर कोई प्रीवियस वैल्यू क्योंकि लॉजिक फन ने बाद में जाके अपडेट होना है ये ब्लॉकिंग स्टेटमेंट यूज़ हुई है पहले ये वाली स्टेटमेंट चलेगी फिर इस स्टेटमेंट की सेकेंड स्टेटमेंट की बारी आएगी तो लॉजिक फन तो बाद में अपडेट हो रहा है लेकिन पहली स्टेटमेंट के अंदर वो यूज़ पहले हो जाता है तो उसका तो मतलब है लॉजिक फान में पहले से कुछ पड़ा होना चाहिए जो इंत्री के साथ और ओके आउटपुट बनाएगा तो जो चीज़ हमें पहले से अगर स्टोर चाहिए तो डेफिनेटली किसी स्टोरेज एलिमेंट के अंदर पड़ी होगी और यहाँ पे एक फिर रजिस्टर बीच में क्रिएट हो जाएगा जो यहाँ से लॉजिक वन की प्रीवियस वैली को उठा के इंत्री के साथ आउट डेवलप कर रहा होगा और उसके फ़ौरन बाद जो है वो इन वन और इन टू आपस में एंड होकर इस लॉजिक फन को अपडेट करेंगे ये एक और एग्ज़ाम्पल है जिसके अंदर ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट का थोड़ा सा कंपेयर किया हुआ इसमें अगर हम देखें तो आउटपुट एक डिक्लेयर है आउटपुट डिक्लेयर किया है सिंगल बिट की जिसको सी कह रहे हैं हम और एक इनपुट है सिंगल बिट की जिसे क्लॉक कह रहे हैं और रजिस्टर क्रिएट किए हुए हैं बी और ए से और एक कॉन्टीन्यूस असाइनमेंट हुई हुई है जिसके अंदर हमारा बी कॉन्टीन्यूसली सी पे साइन हो रहा है और इस यहाँ तक इन दोनों ब्लॉक्स के अंदर जो है वो इन दोनों मॉड्यूल्स के अंदर सेम काम हो रहा है लेकिन ऑलवेज ब्लॉक के अंदर इस इस जगह पे हमारे पास जो है वो ब्लॉकिंग स्टेटमेंट यूज़ हुई हुई है और यहाँ पे जो है वो नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट यूज़ हुई है तो होगा क्या कि हर पॉजिटिव एज क्लॉक पे इस, इस केस में पहले बी की वैल्यू ए में जाएगी यानी अब करंटली ए के अंदर बी की वैल्यू आ चुकी है और वही अपडेटेड ए के अंदर जो बी की वैल्यू आ चुकी है वो दोबारा बी पे साइन हो जाएगी यानी जब ये ऑलवेज ब्लॉक एक पॉजिटिव वेज ऑफ क्लॉक आएगा तो ए के अंदर भी बी की वैल्यू पड़ी होगी और बी के अंदर भी ए की वैल्यू ही पड़ी होगी लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्योंकि ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट्स यूज की हुई हैं और ये काम जो है वो कंकरेंट होना है तो बी की वैल्यू जिस टाइम ए में जा रही होगी एट द सेम टाइम ए की वैल्यू बी में जा रही होगी तो अगर हम देखें तो हर पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक के बाद इसके अंदर जो है वो एक कंप्लीट स्वैपिंग हो जाएगी बी की वैल्यू ए में पड़ी होगी और ए की वैल्यू जो है वो बी में आ जाएगी तो ये थोड़ा सा ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो है वो डिफरेंस आपको क्लियर किया डिपेंडेंसीज या उन चीज़ों को देखते हुए हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि उससे तो पता चल जाए कि हमें ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट का सर्किट की क्रिएशन के ऊपर जो है वो किस तरीके से इफ़ेक्ट हो रहा होता है ऑलवेज एट पॉज एज ऑफ क्लॉक जब भी क्लॉक का पॉजिटिव आ जाएगा तो उस टाइम क्या हो रहा है कि ए की वैल्यू पी में जा रही है क्यू की वैल्यू एक्स में जा रही है और पी की वैल्यू जो है वो क्यू में जा रही है अगर हम देखें तो हमें थोड़ा सा महसूस होता है जिस तरह यहाँ पे पी की वैल्यू अपडेट होगी और वो फिर अपडेटेड वैल्यू जो क्यू को अपडेट करेगी लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे जो है वो नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट यूज़ की हुई है ये तमाम के तमाम तीनों ऑपरेशन ये तमाम तीनों ऑपरेशन जो एट द सेम टाइम परफॉर्म हो रहे होंगे तो क्या होगा ए की वैल्यू पी में जाएगी यहाँ से अगर हम देखें गौर से ए की वैल्यू यहाँ पे पी में जा रही है ठीक है नेक्स्ट रजिस्टर जो है वो पी है और P की वैल्यू जो है वो Q में जा रही है P की वैल्यू इस Q में जाएगी और फाइनली इस Q की वैल्यू जो है वो X में Q की वैल्यू अपडेट होके X की तरफ जा रही है तो इस तरीके से जो है वो ये अपने आप को अपडेट कर रहा है और दूसरे सर्किट में अगर हम देखें दूसरे कोड में अगर हम देखें वेलो कोड में तो ऑलवेज एट बी आर सी यहाँ पे आपको पॉज एज नाम की कोई चीज़ नहीं मिल रही इसका मैं थोड़ा सा इफेक्ट आगे जाके बताता हूँ क्या यानी जब बी आर और सी तीनों में कोई चेंज होगी तो ये काम होगा इसमें इस क्या है पहले बी की वैल्यू आर में जा रही है क्योंकि ये ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो ब्लॉकिंग स्टेटमेंट है तो पहले ये एग्जीक्यूट होगी फिर उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट की बारी आएगी और फाइनली जो है वो थर्ड की बारी आएगी तो बी की वैल्यू आर में जाएगी उसके बाद आर की अपडेटेड वैल्यू एस में जाएगी एस की अपडेटेड वैल्यू जी में जाएगी तो इसका मतलब है बी की वैल्यू अल्टीमेटली उठ के जो है वो जी के अंदर जा रही है तो ये सिंपल एक वायर्स के थ्रू वायर के थ्रू जो इम्प्लीमेंट हो जाएगा इसके अंदर कोई रजिस्टर जो है वो क्रिएट नहीं हो रहा एक एग्जांपल अगर हम और देखें तो इसके अंदर पहले तो समझने वाली चीज़ ये है कि जब भी हम पॉज एज या नेग एज ऑलवेज़ ब्लॉक के अंदर उसकी सेंसिटिविटी लिस्ट में डाल देते हैं तो उस सूरत में ही सिर्फ हमारे पास जो है वो रजिस्टर्स क्रिएट होते हैं लेकिन अगर हम जो है वो उसको पॉज़ एज या नेग एज से इंडिपेंडेंट कर देंगे किसी सिग्नल की जस्ट चेंज पे ले आएंगे जिस तरीके से हमने यहाँ पर किया हुआ है ऑलवेज एट बी तो बी में जब भी चेंज आएगा तो बी की वैल्यू उठ के जो है वो जी पे चली जाएगी तो इस सूरत में जो है वो कोई रजिस्टर क्रिएट नहीं हो रहा ठीक है तो ये बी की वैल्यू जस्ट जो है वो जी को असाइन हो रही है एक सिंपल वायर के थ्रू इम्प्लीमेंट हुआ जबकि यहाँ पे सेकंड कोड में अगर हम देखें तो ऑलवेज एट पॉज एज ऑफ सी जैसे ही सी या क्लाक का पॉजिटिव एज आएगा तो उस टाइम बी की वैल्यू जी पे जा रही है काम यहाँ पे भी वही हो रहा है बी की वैल्यू जी पे असाइन ही हो रही है और स्टेटमेंट भी ब्लॉकिंग ही है लेकिन क्योंकि हमने पॉज है जब सी दे दिया है तो इसका मतलब ये है कि अब रजिस्टर लगेगा जो कि क्लॉक के एज के ऊपर काम कर रहा है जैसे ही पॉजिटिव एज ओफ क्लॉक आएगा तो उस टाइम बी की वैल्यू जो है वो जी को अपडेट करेगी जब तक पॉजिटिव एज ओ क्लॉक नहीं आता तो ये बी और जी के दरमियान जो है वो कोई असाइनमेंट नहीं हो पाएगी इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें है पॉजिटिव एज ऑफ सी बी की वैल्यू आर पे जा रही है आर की वैल्यू एस पे जा रही है और फिर एस की वैल्यू जो है वो जी पे जा रही है क्योंकि ये तमाम की तमाम स्टेटमेंट जो है वो ब्लॉकिंग है पहले ये होगी और आर अपडेट होके एस को अपडेट करेगा एस अपडेट होके जो है वो जी को अपडेट करेगा यानी अल्टीमेटली जो बी की वैल्यू है वो जी तक पहुँचेगी बी की वैल्यू जी तक पहुँच रही है लेकिन क्योंकि हम पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक पे हम ये सारा काम कर रहे हैं तो लिहाजा एटलीस्ट एक रजिस्टर जो है वो यहाँ पे लाजमी आएगा अब यहाँ पे तीन रजिस्टर्स की ज़रूरत क्यों क्यों नहीं है तीन रजिस्टर्स क्यों नहीं लगे हुए क्योंकि बी इस के थ्रू आर अपडेट हो रहा है उस अपडेटेड आर से एस अपडेटेड हो रहा है और एस से जो जी अपडेट हो रहा है तीनों काम सिंगल एज ऑफ क्लॉक के अंदर हो रहे हैं यानी अल्टीमेटली बी की वैल्यू जी तक पहुंच रही है सिंगल एज ऑफ क्लॉक के अंदर तो एक ही फ्लिप फ्लॉप जो है वो इस काम के लिए काफ़ी है और फाइनली uh, अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑलवेज एट पॉजिटिव एज ऑफ सी बी आर पे जा रहा है uh, तमाम अगेन स्टेटमेंट्स जो हैं वो ब्लॉकिंग हैं तो B जो है वो R को अपडेट कर रहा है और R जो है वो यहाँ पे जाके S को अपडेट कर रहा है ठीक है और S जो है वो Z को अपडेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि सबसे पहले ये वाला काम हो जाएगा R अपडेट हो जाएगा लेकिन S को ये कैसी चीज़ है जो Z को अपडेट कर रही है और S खुद बाद में यहाँ पे जाके अपडेट हो रहा है एस जो है वो इस स्टेटमेंट के अंदर अपडेट हो रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पे अपडेट होने से पहले पहले कोई एस की वैल्यू हमें चाहिए होगी जो जी की तरफ जा रही होगी लिहाजा एस जो है वो एक ऐसा रजिस्टर होगा जो जी को अपडेट कर रहा होगा यहाँ से ठीक है और उसके बाद जो है वो एस को अपडेट जो है वो आर कर रहा है और बी जो है वो आर को अपडेट कर रहा है जब बी आर को अपडेट कर रहा है और आर एस को अपडेट कर रहा है तो ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है तो लिहाजा जो इंटरमीडिएट असाइनमेंट हुई है बी आर को और आर फिर एस को तो अल्टीमेटली बी की वैल्यू जो है वो एस पे जा रही है तो यहाँ से बी की वैल्यू जो है वो आप देख रहे हैं कि एस पे जा रही है आर के लिए असाइनमेंट करने के लिए अगर लिहाजा से रजिस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है और ब्लॉकिंग स्टेटमेंट में यही होता है कि जब भी आने वाली स्टेटमेंट पीछे वाली स्टेटमेंट पे डिपेंड कर रही होती है तो बीच में रजिस्टर इंसर्ट नहीं होता सिंपल वायर के थ्रू असाइनमेंट हो जाती है यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर एलेवन पार्ट बी मैं कंक्लूड हो रहा है और उसके अंदर कुछ देखने वाली चीज़ें हैं कि ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स को हम इक्वल साइंस से यूज़ कर रहे हैं और ये जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कंबिनेशन लॉजिक को मॉडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट जो है वो लेस दैन इक्वल टू के साइन के साथ हम असाइन कर रहे होते हैं और ये जो है वो सिक्वेंशल लॉजिक को जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज होती है रजिस्टर्स जो हैं वो आ, इसके थ्रू हम क्रिएट कर रहे होते हैं और आ, कभी भी आ, एक ऑलवेज़ ब्लॉक के अंदर ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट्स जो हैं वो आप मिक्स ना करें क्योंकि आपके लिए फिर डिपेंडेंसी जो तो इस चीज़ की तरह टाइप की चीज़ें एग्जिस्ट करती हुई तो फिर ये इन्फर करना मुश्किल हो जाएगा कि हार्डवेयर जो है वो किस तरीके से बन रहा है तो एक बॉटम लाइन ये है कि आपने जब भी कम्बिनेशन लॉजिक बना रहे हो तो आप जो है वो ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स यूज़ कर लें और जब भी सिक्वेंशल लॉजिक जो है बन रही हो या ऑलवेज ब्लॉक के अंदर एट पॉज है जब या नेगेटिव समथिंग आ जाए तो उस टाइम आप उसके अंदर जो है वो नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स यूज़ करें सो थैंक यू सो मच फॉर हाफिज़